सरप्राइजिंग है, क्योंकि मतलब हमेशा अपने जितना एक्सपेक्टेशंस रहता है उससे ऊपर ही उनका परफॉर्मेंस रहता है। एंड 4M के जीनियर ने वहां पे टेम्पो के स्पेक को कर दिया फिनिश विद दैट मिनी 14। तो मिनी 14 DMRs बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू बोल्ट एक्शन यहाँ पे हम लोग को इन पीस कीपर इलीट चैंपियनशिप। एंड यहाँ पे 4M के हसाकी जोन के अंदर रोटेट इन करते हुए विद दैट US, देखते हैं यहाँ पे क्या कोई टीम उनपे वो शॉर्ट्स लेगी। बट यहाँ पे ड्रॉप के पास आ चुके, शायद अपना जो आर्मर और वेस्ट को रिन्यू करना चाहेंगे, बट देखते हैं यहाँ पे उनका क्या थॉट्स रहता है, क्योंकि जिमी बिल्कुल इनके सामने है। यहाँ पे बुश के कवर पे यहाँ पे प्रोन इन करके इज वेटिंग कि अपना टर्न आएगा, यहाँ पे शॉट्स लेंगे। एंड दे वेट कर रहे हैं कि बाकी स्क्वाड्स एक दूसरे के साथ फाइट करें, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वन मैन हो चुके हैं। तो उनको उनका ये कोशिश रहेगा कि अपनी जो स्क्वाड के जो प्लेसमेंट पॉइंट्स है थोड़ा सा ऊपर ले सके। या बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे प्लेसमेंट पॉइंट्स की बात आ चुकी है फॉर XQF QXQ, और दो किल पॉइंट्स भी है उनपे। पर यहाँ पे 4AM के सामने अभी 14 प्लेयर और है, इनमें से कितना किल्स 4AM निकालते हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 4AM यहाँ पे 20 किल पॉइंट के लिए जा रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से वो खेल रहे हैं, अगर उनको 20 किल पॉइंट मिल जाता है उनके लिए बहुत अच्छी बढ़त होगी किल्स डिपार्टमेंट में, पॉइंट्स डिपार्टमेंट। वहाँ पे स्काउट ने नॉक किया सीना के बियोवुल्फ को एंड डेफिनेटली फिनिश ऑफ करना चाहेंगे, पर वहाँ पे एश ने पिक ऑफ किया नीवन को एंड यहाँ पे यू नो स्काउट अकेला बचते हुए आप देखना होगा क्या एश अपने प्लेयर को यू नो रिवाइव हो सकता है, पर नो एश वहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए स्काउट अकेला सर्वाइविंग मैन एंड ऑल्सो मोस्ट इंटरेस्टिंगली स्काउट का पोजिशन पता है। मीनवेल हसाकी ने वहाँ पे DKG के मॉक्सिन को नॉक किया। एग्जैक्टली तो यहाँ पे स्काउट अकेले वन मैन सर्वाइवर रहते हुए टीम फैनेटिक्स आई थिंक उन्होंने एक नॉक लिया था, बट वो नॉक पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे साइमल्टेनियसली एश भी नॉक हो गए, तो ये काफी दिक्कत वाली सिचुएशन। एंड यहाँ पे निको ने आई थिंक स्काउट को स्पॉट कर लिया, यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए स्काउट ओपी की तरफ एंड ऑलमोस्ट रेड HP कर दिया, देखते हैं क्या स्काउट ओपी यहाँ पे बच पाएंगे। बट यहाँ पे स्काउट ओपी फिनिश होते हुए इसी के साथ छठे पोजिशन पे टीम फैनेटिक होती हुई गेम नंबर 2 से एलिमिनेट। या बिल्कुल सही कहा आपने, बट यस वी आर डाउन टू टॉप 5 टीम्स, 4AM, क्लाउड एंड DKG, टेम्पो समय एक्सक्यू ऑफ 3 चाइना की टीम्स और 2 नॉर्थ अमेरिकन टीम्स। 4AM ने वहां पे टेम्पो के प्लेयर्स को पिक ऑफ किया, टेम्पो स्टॉम भी काफी अच्छा खेल लिया, 2 प्लेयर यू नो 7 किल पॉइंट्स है उनके पास यहाँ पे, लेकिन टेम्पो फिनिश ऑफ होते हुए 4AM यहाँ पे 16 किल पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, और कितना किल पॉइंट्स लेते हैं 18 हो चुके हैं एंड यहाँ पे उनके सामने 9 प्लेयर और है। यहाँ पे 4AM क्या चाहती है मुझे नहीं पता, बट ये उनको टूर्नामेंट में बहुत ऊपर ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा, काफी ज्यादा किल पॉइंट्स उनको देके जाएंगे, काफी ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स भी। एग्जैक्टली DKG के वहां पे एक नॉक किया है टीम C9 की, अगर बात करें लास्ट गेम पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट फिनिश रखा था, इस बार भी अभी तक जिंदा है। टीम XQF की अगर बात करें अकेले जिमी अभी भी जिंदा है, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लेके रखे, 4M डेफिनेटली कोशिश करेगी जो XQF के साथ जो बढ़त ले रखी थी उस पर कैचअप करने की या उसको एक्सीड करने की, बट देखते हैं यहाँ पे टीम DKG भी बहुत ही ज्यादा होप से, क्योंकि 3 टीम्स या 4 टीम्स बची है यहाँ पे, तीनों के तीनों टीम्स यहाँ पे चाइनीज है और एक नॉर्थ अमेरिकन टीम है, तो यहाँ पे बिगाड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था एंड यहाँ पे क्रेजी नॉक होते हुए एंड 4AM के जिन्हाई के नेट जिने के नेट से वहां पे MLVSU नॉक होते हुए एंड अब यहाँ पे XQF और 4AM दोनों DKG के लिए काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जिमी ने DKG के क्रेजी को कंफर्म किया, अपने टीम के लिए किल पॉइंट भी लाया, 4AM यहाँ पे अभी भी होल्ड करते हुए लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, Cloud9 इज ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इफ यू सी। एग्जैक्टली आप देख सकते हो जिमी का यहाँ पे कितना अच्छा दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे बुशेस के साथ प्ले डाउन कर रहे हैं, पर्किस वहां पे फाइट लेते हुए, तो यहाँ पे फाइट लेने दे रहे हैं। यहाँ पे स्वानोवो ने बियोवुल्फ को कर दिया है नॉक एंड उनको फिनिश कर देंगे, बट पर्किस का यहाँ पे काउंटर स्प्रे आता हुआ स्वानोवो को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया 4AM के, बट देखते हैं यहाँ पे पर्किस को दूसरी तरफ से शॉट्स पड़ते हुए डैमेज काफी ले चुके हैं, बट क्या यहाँ पे स्वानोवो उनको काउंटर नॉक दे सकते हैं या नहीं। बट जिमी आप देखो यहाँ पे कैसे बुशेस के बगल बगल से जा रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज ज्यादा नहीं कर रहे हैं। Yep, I think काफी इंटेंस लास्ट 4 टीम्स आ चुके हैं। यहाँ पे 4AM के जीने ने बॉक्सिंग को पिक ऑफ किया, DKG को यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए 4AM ऑलरेडी 21 किल पॉइंट ले चुके हैं, उनके सामने 4 प्लेयर और है। जिमी ने वहाँ पे C9 के अनिवेन को पिक ऑफ किया, 4AM स्पायरा ने वहाँ पे जिमी को फिनिश ऑफ किया एंड आई थिंक XQF यहाँ पे 33 नंबर तक अपनी टीम को ले आए। अब नाउ इट्स 4AM वर्सेस C9, 4AM 4 वर्सेस 1 का सिचुएशन हो गया है एंड 4AM कमिंग अप विद सच एन अमेजिंग चिकन डिनर। आई थिंक उनके पास कुछ 23 किल पॉइंट्स है, 16 प्लेसमेंट पॉइंट्स। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. 30